नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों आज बेसिक शिक्षा विभाग की सभी कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई और इसमें भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विचार मंथन किया गया। इस समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ साथ सभी विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ट्वीट करके इस चीज की जानकारी दी गई। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पे ही है, हम सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा व भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार मंथन करने हेतु आज माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा श्री जी के साथ अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव अपर्णा यू, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। तो ये एक बैठक की गई जिसमें विभाग के सभी कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई और इसके साथ साथ में भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर भी विचार मंथन किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है यानी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र, उनकी प्रगति पर समीक्षा बैठक कब की जाएगी और उनके भविष्य को लेकर योजनाएं कब बनाई जाएंगी जिससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकल सके। अनुदेशक और शिक्षा मित्र लगातार इतने लंबे समय से अपने भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन भी देते हैं, सभी को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराते हैं, लेकिन अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में ही अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। ऐसे में उनके सामने उनके परिवार और उनके बच्चों को भरण पोषण करने और उनके भविष्य को सुधारने के लिए खासी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विभाग के द्वारा अब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की प्रगति को लेकर भी समीक्षा बैठक करनी चाहिए और उनके भविष्य को सुधारने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए। फिलहाल इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।